ओके नाउ सी सम ऑफ द नंबर्स आर लाइक इक्वेशंस कब बनता है व्हेन इट इज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नाउ आरएचएस फॉर दैट इट्स कंडीशन इज देयर शुड बी वन वेरिएबल लाइक दिस विद अ नंबर आइदर देयर कैन बी अ वेरिएबल लाइक दिस एक्स और आइदर इट कैन बी विद नंबर ये पहली कंडीशन एंड इज इक्वल टू रहना चाहिए एंड उसके उधर एक नंबर रहना चाहिए आइदर इट कैन बी जीरो आइदर इट कैन बी फाइव आइदर इट कैन बी माइनस और इट कैन बी एनीथिंग ऐसे कंडीशन है समझ लिया हाँ वी आर ऑन द राइट ट्रैक एनी डाउट टिल हियर नो सर सी दिस इज नो फोर एक्स है सर फोर एक्स है हाउ वी रीड इट फोर टाइम्स ऑफ एक्स क्या बोलेंगे इसको हम लोग फोर टाइम्स ऑफ एक्स लाइक दिस ओके इफ इट इज थ्री एक्स हाउ वी विल रीड इट थ्री टाइम्स ऑफ एक्स एक्स ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ हाउ वी नीड टू रीड इट ओके फोर टाइम्स ऑफ एक्स फर्स्ट स्टेटमेंट फोर टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं इससे फोर टाइम्स ऑफ एक्स इज फाइव ओके सिमिलरली हाउ विल से थ्री टाइम्स ऑफ एक्स इज एक्स इज व्हाट विल से व्हाट विल से माइनस थ्री फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टेप क्लियर इसको कैसे बोलेंगे सेवन एक्स इज इक्वल टू एट कैसे बोलेंगे इसको सेवन टाइम्स ऑफ एक्स इज एट इज एट वेरी गुड लाइक इट्स एट एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन एट टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टाइम्स ऑफ एक्स सिक्सटीन वन मोर थिंग आई एम एडिंग इन दैट वन मोर थिंग आई एम एडिंग इन दैट ओके नाउ सी 7x plus 3 is equal to 8. Now, इसको कैसे रीड करना है? या 7x minus 3 is equal to 8, how we need to read it? ये second step. Okay? Yeah? So, may I? 7 times of x plus 3 is 8. Of x plus 3 is equal to 8. Okay. इसको दो तरीके हैं। Seven times. Yes, wait, wait, wait. हाँ बेटा, what? Yes, wait, equals to eight. कौन बोल रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? समीक्षा क्या? हाँ, क्या हो गया? मैम सर समीक्षा बोल रही है। हाँ, आ रही है ना बेटा? स्पेस में बैठे हो क्या? तो बेटा आरत पे तो सभी की आवाज आएगी। फिर ओके ओके आई गॉट इट नाउ ओके नाउ सी 7x plus 3 is equal to 8 नाउ इसको कैसे पढ़ेंगे सी वन ट्रिक इज 7 टाइम्स ऑफ x plus 3 is equal to 8 इज 8 दिस इज गावरानी टेक्निक प्रोफेशनल टेक्निक हाउ वी रीड इट इन अ प्रोफेशनल वे ओके एड 3 2 बाकी पूरा सेम 7 टाइम्स ऑफ x Add 3 to 7 times of x is 8. ऐसे पढ़ेंगे ओके मीन्स जो नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको पहले लिखना है 7 times of x बाद में जैसे एक नंबर है 4x plus 5 is equal to 9. ओके देखो x is, इधर वाला पार्ट छोड़ दो इज 9 ये छोड़ दो इसको कैसे पढ़ेंगे अभी बताओ सबसे पहले क्या लिखना है एड 5 to 4 times of x = 9 या समीक्षा कहाँ नहीं समझा बेटा जल्दी बोलो कहाँ से नहीं समझा क्या दैट इज नॉट अलाउड यू कैन ऑल्सो डू दैट बट इट इज नो मीन्स आई वॉट एवर आई एम प्रेफरिंग दैट मेथड यू नीड टू फॉलो दैट ओके नाउ यहाँ तक क्लियर नाउ सी अगर एक नंबर देता है 4x - 8 = 10 हाउ विल रीड इट Subtract 8 from 4 times of x is 10. 4 times of x is equal to 10. Yeah, 4 times of 8, 4 times of x is equal to 10. सबसे पहले क्या करना? First step. ये जो जो भी part है ना, इसको first part मिले. This second. And ये last. Okay? Any doubt? Should I move forward now? One more. Yes, sir. One more. See, one fourth of a number. Yes, sir.
वन फोर्थ ऑफ अ नंबर, कभी भी जो नंबर रहता है ना इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर का मतलब होता है हमारा x, वन फोर्थ ऑफ अ नंबर मीन्स वन फोर्थ ऑफ अ x, ओके, वन फोर्थ ऑफ अ x माइनस एट, माइनस एट इसके बाद माइनस एट इज 18, ये समझा मेथड कैसे लिखा, वन फोर्थ ऑफ अ नंबर माइनस एट इज 18 ऑल्सो. You can say one fourth of a number plus eight also 18. जो गावरानी टेक्निक है what you said वो भी perfect है, जो मैंने बताया वो भी perfect है. Any doubt? No sir. Okay okay. Should I move forward now? Okay. Yes, if sir. If I gave you a statement like this, see, 2x minus 5 is equal to 15. Okay. Now see, professional वो मैं आपका answer कैसे लिखना है? इसमें subtract नहीं लिखते. यह है सब्ट्रैक, लेकिन सब्ट्रैक की जगह एक टर्म यूज करना पड़ता है, पता है क्या, टेक अवे, व्हाट विल से टेक अवे और डिफरेंस वी कैसे टेक अवे 5 फ्रॉम, 5 फ्रॉम किससे लेना है, 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ x, x व्हिच इज इक्वल टू, व्हिच इज इक्वल इज व्हाट इज 15 इज 15, ओके सेकंड थिंग, या ओके, 1 by 4th of x minus 5 is equal to 15. अब बोलो 15. या व्हाट विल राइट फर्स्ट स्टेप, व्हाट विल राइट फर्स्ट स्टेप, इसको क्या बोलते हैं, टेक अवे 5 फ्रॉम 1/4 ऑफ x इज 15. क्लियर, यहां तक कोई डाउट? नो सर. अच्छा, हाउ विल स्टे दिस स्टेटमेंट, 5 इज p इज इक्वल टू 20, कैसे बोलेंगे इसको, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 5 times of p is 20. Yeah, good. How will say like this? 3n plus 7 is equal to 1. At 7, 2, 3 times of n is 1. Very good. Subtracting. Take away 2 from 1/5 of m is 9. 6. Any doubt till here? Three times of n plus 7 is equal to 1. You can also say that. Okay? Aage padhna hai? Any doubt till here, beta? Take away 2 from m, m 1 by 5. Okay, any doubt till here? Should I move forward now? Yes, sir. Yes. Confidence ho jayega. Yes, sir. Okay. See one example. तुम लोग खुद से निकालोगे. I'll tell you one trick also. Raju's father age is 5 more than 3 times. ठीक है. सबसे पहले सब छोड़ देना. कुछ नहीं करना. सबसे पहला step, set up an equation to find Raju age. किसकी age निकालना है मुझे? Raju. सबसे पहले question के last part में जाओ. किसकी? Okay. तो Raju की age में क्या ले लूँ? Raju की age को जिसको निकालना है उसको लेते हैं हम लोग x. ये clear है first step. फर्स्ट स्टेप क्लियर है? यस सर. ओके, नाउ राजूज फादर लिखो यहाँ पे. राजू फादर, जब भी इज आता है इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 5 इयर्स मोर, मोर मींस प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ऐड प्लस 5 प्लस मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू सेज. 3 टाइम्स ऑफ राजू सेज मतलब क्या होगा, राजू की एज एंड 3x. वेरी गुड. And Raju's father age is how much? 44. So it will be 5x. 5 plus 3x. Now, easy hai ki nahi hai batao mujhe. Yes sir, it's easy. What? Yes sir, it's easy. It's like means wo na kya bolte hai usko, dialogue yaad nahi aa raha, jirko wait. Ye haath mujhe de de kaliya, jaise haath leta hai na kaliya kaat ke. Waisa wala, itna easy topic hai, itna easy ki tum log na sote sote bhi raat mein bologe na. दो पिज्जा और चार पानी पूरी, तो ऐसे आज को चुने, एक हाथ में पिज्जा एक हाथ में पानी पूरी आ जाएगी, जस्ट इमेजिन. ओके, नाउ अ शॉपकीपर सेल मैंगोज इन टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस. ओके, वन स्मॉल एंड वन लार्ज. अ लार्ज बॉक्स कंटेन एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 100 प्लस 4 लूज मैंगोज. सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स. अब सबसे पहले मैं एक्स किसको लूं, लार्ज बॉक्स वाले को कि स्मॉल बॉक्स वाले को, वो क्वेश्चन पढ़ो. स्मॉल. वेरी गुड, स्मॉल बॉक्स वाले को एक्स ले लो, लेट द स्मॉल बॉक्स मैंगोज बी एक्स. नाउ उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ. सबसे पहले
अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स मतलब लार्ज बॉक्स कितने कंटेन कर रहा है देखो कंटेन एंड इज इक्वल टू मीन सेम होता है एट स्मॉल बॉक्सेस एट स्मॉल बॉक्सेस मतलब 8x होगा क्या ओके एट स्मॉल बॉक्सेस एंड प्लस फोर लूज मैंगोस सो इक्वेशन सेटअप हो गई एंड टोटल नंबर ऑफ मैंगोस इन लार्ज बॉक्स इज 100 सो इट विल बी 8x प्लस 4 इट विल बी इक्वेशन लाइक दिस एनी डाउट टिल यू एनी डाउट इक्वेशन बन रही है क्या बताओ नो डाउट सर ओके नो डाउट कमांडो रेडी फॉर द कंपटीशन नाउ सर आई डिडंट अंडरस्टैंड इट अल्फा टू चार्ली हां नमन बोलो नमन क्या नहीं समझा बेटा सो हाउ यू टुक आउट द इक्वेशन सी फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द लास्ट टर्म लास्ट कभी भी लास्ट पार्ट में आना सेट अप एन इक्वेशन व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोस क्या दिया आपको क्या निकालना है यहां पे स्मॉल बॉक्स जो निकालने बोला इट शुड बी ऑलवेज एक्स यहां तक क्लियर है फर्स्ट स्टेप यस सर सेकंड स्टेप व्हेन यू रीड आउट फ्रॉम दिस यू गेट अ लार्ज बॉक्स एक लार्ज बॉक्स है जिसके अंदर मतलब बड़ा बॉक्स क्या है लार्ज तो यहां पे लिखो उसको कंटेन एंड इज इक्वल टू मीन सेम होता है कंटेन इज इक्वल टू सेम एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस मतलब 8 स्मॉल बॉक्स हो गए साथ में 4 मैंगोस सो 4 एंड इट इज गिवन दैट कि यहां पे लास्ट लाइन में कि नंबर ऑफ मैंगोस इन लार्ज बॉक्स इज 100 सो वी गॉट दैट 100 100 इज इक्वल टू 8x प्लस 4 ओके नमन सो नमन यू लिव देयर इन दैट गोदनी ना पियोनियर आल्सो वी शिफ्टेड फ्रॉम दैट ओके ओके नाउ complete the following that is exercise 4.1 okay now so come say whether the equation is satisfied or not dekho isko kaise karna hai sabse pehle equation hai x plus 3 is equal to kitna hai 0 matlab x ki jagah pe ye x ki jagah pe mujhe kitni value put karna hai pata hai 3 put karna hai now yahan pe main agar 3 plus 3 put karu to mujhe kitna milega 6 milega ki nahi milega sab milega लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 डाला तो मुझे 6 मिला तो क्या वो 6 इज इक्वल टू 0 सही है क्या नो सर ओके नो सर आई मैं एक और चीज बताता हूँ वेट 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 आपको नहीं समझा बहुत सारे लोगों को सी ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में आंसर मेरा 0 आना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल रहे तब इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी तो यस जो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू सॉल्व करने पे सेम आती है तो सेम इक्वेशन इज सेटिस्फाइड नहीं आए तो 0 तो नो आंसर नाउ लेफ्ट हैंड साइड एक्स की जगह मुझे क्या वैल्यू पुट करना है यहाँ पे -3 नहीं minus... यहाँ पे क्या दिया है आपको यहाँ पे क्या दिया है 3 सो आई विल पुट 3 प्लस 3 क्लियर यहाँ तक यस सर एंड जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को किया 3 प्लस 3 मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 6 है लेकिन राइट हैंड साइड कितना था मेरे पास राइट हैंड साइड कितना दिया है 0 इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल और नॉट नो नो सो इक्वेशन इज नॉट इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड यहां पे x में मुझे कितनी वैल्यू पुट करना है यहां पे अभी 0 0 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ओनली इज दैट इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला 0 नो सेम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू कितनी डालना है माइनस 3 तो माइनस 3 प्लस 3 सो माइनस 3 प्लस 3 कितना होता है 0 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यस इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड यस ओके नाउ x इज इक्वल टू हाउ मच आई नीड टू पुट 7 सर दिस इज नो सर दिस इज नो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बट मेरा राइट हैंड साइड में 1 है क्या दोनों इक्वल है क्या नहीं No. The equation is not solved. No, same यहाँ पे. X minus 7 is equal to, yeah. X is equal to कितना put करें? Sir, 8. It is satisfied. 8. It is satisfied. Yeah. Yes, sir. And satisfied. It is equal to 1. Yes. Okay? Same. 5X is equal to 25. तो X की जगह put करना है 0. 5 into 0 will be? It will be 0. 0. Yes, is it equal to 25? Not satisfied. No. 5X is equal to 25. 5 की जगह x की जगह 5 पुट करना है सो इट विल बी 25 इज इक्वल टू 25 इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड ओके ये वाला बताओ m इज इक्वल टू 3 m की जगह पे -6 पुट करना है -6 / 3 इज इक्वल टू 2
आंसर कितना आएगा? माइनस टू एंड इक्वल टू टू है. तो सर ये दोनों तो वैल्यू सेम है, बट हियर इट इज माइनस एंड हियर इट इज प्लस, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइड. नाउ यू गॉट एन आइडिया हाउ वी सेटिस्फाई द इक्वेशन? जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में भी रहना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में भी रहना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर टू. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पुट करना है इनकी जगह पे? वन. सो फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर ए, आई विल राइट पुट एन इज इक्वल टू वन इन एन प्लस फाइव इज इक्वल टू 19. सो पुट करो n प्लस फाइव इज इक्वल टू 19 लिखा, और वहां पे कितना लिखो? 1. सो प्लस फाइव इज इक्वल टू 19 कितना आ रहा है बताओ? 1 प्लस 5 कितना होगा? 6 इज इक्वल टू 19. नॉट इक्वल. इज द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? नो सर, नॉट सैटिस्फाइड. सो द इक्वेशन इज invalid. So what we can say, अगर कोई value put करने पे अगर equation solve नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं कि n is equal to 1 is not a solution of n plus 5 is equal to 19. Clear? Any doubt? Okay. Okay. Second question. Question number 2. 7 n plus 5. Yeah. 7n plus 5 is equal to 19. How much I need to put? Put n is equal to? Minus 2. Minus 2. So 7 2. Into minus 2 plus 5. Okay, how much it will be? Minus 2. Minus 14. Plus 5 is equal to 19. 14 plus 5. Okay. Sir, minus 9. Minus 9. So this also is not invalid. But the solution of the given equation. Any doubt till here? Therefore, n is equal to minus 2 is not a solution of 7n plus. Given equation. Yeah. Is it clear? Let's have a competition. Yes, let's have a competition. Let's see. Question E. Sir, in chat box we have to write? Yeah, in the chat box. Let's see who wins the race. Come on, come on. Alpha to Charlie. Come on. Tango Charlie. Sir, who won the competition? That's right. Sir, first. Sir, first boys gave me boys. Okay, let's see who gave the first answer. Sir, Saad Shah gave the first answer, sir, and then there is. Sir, no, they do not wrote the whole sentence. I wrote it first. The like. You wrote P. Boys won the competition. Boys won the competition. Sir, yes, thank you, sir. Actually, वो सिद्धांत है. Okay, चलो आ जाओ. ये ले competition बताओ. 4p minus 3 is equal to 13. Let's see. P is equal to 0. Put the step number 1. Put p is equal to 0 in equation. Second step. Third step. Tell me. N is p is equal to 0 is the solution of 4p minus 3 is equal to 13 or not? Do it. Come on.
come on, jaldi jaldi jaldi. Naman Dharmani says no. I don't want that answer. I want 4. Yeah, p is equal to 0 is not the solution. Okay, great. Siddhant has answered the question. 14 crores to Siddhant. Sold that question to Siddhant. 14 crores. 14 carats में पूरे zero हटा देना, 14 rupees दे दूंगा बाद में. Okay, no issue. Siddhant, take it from me. Recovery agent. Okay, I'm recovery agent. Okay, I'll recover the money. Now, 5. Solve the following question in by trial and error method. Trial means पता है क्या होता है? Yes. No, sir. Okay, I'll tell you it. आपको ट्रायल एंड एरर मेथड्स में ना, आपको जब तक वैल्यू सॉल्यूशन मिलता नहीं तब तक ट्राई करते रहना चाहिए. सी स्टेप नंबर 1, 5p + 2 = 17. सो सबसे पहले ट्रायल मेथड में हम लोग स्टार्ट कर से करते हैं व्हेन p इज इक्वल टू 0. ओके, व्हेन p इज इक्वल टू 1, p इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 3. इप्सा तनु, ये कैमरा बेटा एक मिनट. इप्सा just turn on your camera beta. Okay, now suno, sabse pehle step 1, aapko trial error method mein kya karna, dekho p ki value 0 put karo. So 5 0 plus 2 is equal to 17. To yahan pe kitna aayega, 2 is equal to 17. Is that 2 is equal to 17 or not? No, try it for p is equal to 1, p is equal to 2, p is equal to 3. Tell me the right answer, come on. Let's see. P is equal to 1 को put करो, देखो क्या होता है. P equals to 3. So it will be 7 is equal to 7. 7 is not equal to 17. चलो ये भी नहीं हुआ. 2 का करके देखते हैं चलो. Plus 2 equal to 17. So left hand side कितना आएगा? 5 to 10 plus 2 12. 12 is not equal to 17. हाँ, 5 3 plus 2 is equal to 17. हाँ, it is coming. 17 is equal to 17. So when P is equal to 3, मैं 17 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, p is equal to 3 is the solution of 5p + 2. 5p + 2 is equal to 17. How we pronounce it? 5 times of p plus 2 is equal to 17. Okay, any doubt? क्या तुम लोग खुद के लिए खुद से बता सकते हैं 3m - 14 is equal to 4 के लिए? Come on. आप मुंह से भी कर सकते हो. -14. Hmm. Then 18 minus 14 equals to 4. Ipsa, you go for tuition or what? No sir, I don't go at tuition. खुद से किया? Yes sir. Very good. बेटा लड़के लोग ready हो जाओ, एक और competitor आ गया बेटा, अब तो बड़ा मुश्किल है championship retain करना. Girls form में आ रहे बेटा, बच के रहना. आया क्या, ट्राई किया आप लोग ने? समीक्षा काय झालं, कळलं नाही का आंसर? सर कौन सा वाला सॉल्व करना है? ये वाला. कहाँ पे? अच्छा, चश्मा लगा है बेटा, देखो. सर वो तो हो गया है बेटा, ये कहाँ हुआ अभी? थ्री का फर्क, सेकंड क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया हमने? चलो सर वही तो किया. ओके सर वही तो किया था अभी. m is equal to 6. m is equal to 6. यस सर, m is equal to 6. क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सम ऑफ द नंबर, सम मतलब क्या होता है सर? एडिशन. ओके नाउ, ओके सो एडिशन के लिए दो नंबर चाहिए, एक नंबर है x, एक नंबर है 4. सो x प्लस 4 इज मतलब क्या होता है कभी भी? x प्लस 4 इज इक्वल टू 9. इक्वल टू 9. सेकंड,
टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, मतलब टू सब मतलब वाई से कितना सब्ट्रैक्ट किया मैंने? सर वाई माइनस टू इज वाई माइनस सर वाई माइनस एट इक्वल्स टू एट सिक्स. वेरी गुड बेटा, आप लोगों को समझ गया. टेन टाइम्स ऑफ ए तो टेन ए इज टेन ए इज सेवेंटी. टेन ए इक्वल्स टू सेवेंटी. ओके एक मिनट मैडम, मैं आवाज कम करते हो, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे. आप फॉर्म में रुको अभी. ओके द नंबर डिवाइडेड बाय फाइव गिव्स गिव्स एंड इज दोनों सेम होते हैं. गिव्स एंड इज दोनों सेम होते हैं. द नंबर बी बाय बी बाय फाइव बी बाय फाइव टू सिक्स बी बाय फाइव इक्वल्स टू सिक्स. थ्री फोर्थ ऑफ टी थ्री फोर्थ ऑफ टी थ्री बाय फोर टी बाय फोर इक्वल्स टू फिफ्टीन. थ्री बाय फोर t equals to 15. 7 times m plus s 7. So 7m plus 7 equals to 77. बापरे इतना भयंकर अट्टा मारते हो. Very good. लगता है रात भर अट्टा मारते हो. Okay. One fourth of a number. One fourth of a number x. 1 by 4 x minus 4 is 4. Ipsha, ban. I'm putting a ban on you. Now you'll not answer. Wait till the time I say. रीत कहना क्या चाहती है बेटा? सर इतना देर से कुछ चिल्ला रही हूँ, हमको भी आंसर देने दे. इप्सा वेट, अभी शेर जागा है. वेट. ओके इफ यू टेक सिक्स अवे फ्रॉम हाँ तेरी सिस्टर है ना. ऑल ब्रदर्स आर माय फ्रेंड्स, वो कह रहता है ना एक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वैसा वाला. ओके इफ यू टेक अवे सिक्स, इफ यू टेक अवे सिक्स मतलब क्या होता है? सिक्स निकालना है. टेक अवे मतलब माइनस माइनस सिक्स, किसमें से? सिक्स टाइम्स ऑफ वाई. सो सिक्स वाई माइनस सिक्स विल यू गेट 16. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेम इफ यू ऐड थ्री टू वन थर्ड ऑफ जेड, क्या करना पड़ेगा? किसको ऐड करना है? वन थर्ड ऑफ जेड बाय थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू वन बाय थ्री वन बाय थ्री जेड थर्टी प्लस थ्री इक्वल टू थर्टी. बहुत इजी लग रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिक्स सी विद यू नीड टू लर्न वन थिंग. कभी मार्क्स के लिए फाइट नहीं करना जिंदगी में, कभी मार्क्स के लिए फाइट नहीं करना. ऑलवेज फाइट फॉर नॉलेज, ऑलवेज फाइट फॉर गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज एंड द बेसिक्स. आपके जितने बेसिक्स तगड़े रहेंगे ना, सी आपको बचपन में अगर वन प्लस वन का प्रॉब्लम नहीं हुआ इसलिए आप निकाल पाते हो टू. अगर आप वन प्लस वन या वन माइनस वन कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुआ तो आप नहीं कर पाओगे. क्यों? अगर आपके बेसिक्स राइट रहेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग. यू कैन बिकम अमरेंद्र बाहुबली, यू कैन बिकम KGF हीरो रॉकी भाई, लाइक दैट. ओके नाउ नेक्स्ट थिंग, p प्लस फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन, ये तो स्टेटमेंट बनाना है. p इक्वल टू 11 4 एडेड टू p इक्वल टू 15 4 एडेड टू p इक्वल टू 15 4 एडेड टू 15 p इज 15. ओके आ जाओ, लेट्स हैव अ कंपटीशन विद बॉयज एंड गर्ल्स. दिस क्वेश्चन विल 7 सबट्रैक्टेड फ्रॉम नो सॉरी कंपटीशन क्वेश्चन. लेट्स सी कंपटीशन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. हाँ चैट बॉक्स में लिखना है, देखते किसकी टाइपिंग सबसे ज्यादा फास्ट है. ये तो सबसे सबकी नजरें उसी रेस ट्रैक पे जिस रेस ट्रैक पे क्वेश्चन चल रहा थी प्लस फोर इज इक्वल टू 25. देखते हैं कौन जीतता है आज. फोर एडेड टू थ्री टाइम्स ऑफ पी ट्वेंटी या नमन हैज वॉन द रेस. दैट इज मीन्स बॉयज हैज वॉन द रेस. Who's that? Have no, beta. No, it's not like that. आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बोला, आपको उसने स्टेटमेंट लिखने बोला है. One more. This one, eighth one. Sir, P by second. P by two plus two is equal to eight. P by two plus two by eight. P by two को क्या बोलेंगे? Sir, कौन तो? सॉल्व नहीं करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. One by two of. Seven. Sir, half of p is 8. No. Wrong answer. Wrong. Sir, galat. 2 half of p gives 8. Chat box. Ipsha, you can fight. Ipsha, you can fight for the competition in the chat box now. Reet, kya hua Reet? Sir, mere ko typing nahi chalti hai laptop pe. Main bas slow time pe karti hu. Bhavishya kathin hai beta. Sir, pehle maine diya sir. P added to half of p is 8. Okay, good. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? सर आई गिव द फर्स्ट आंसर. हाँ बॉयज वन द रेस. नो सर आई. अरे कोई बॉयज जीतने से मतलब हुआ ना अभी. ठीक है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस. क्वेश्चन नंबर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आप लोग मुझे खुद से बताओ कि सर किसको क्या लेना है, क्या लेना है बताओ। सबसे पहले लाइफ, फर्स्ट से पहला स्टेप, एक्स किसको लूँ बताओ। मार्बल्स ओके मार्बल्स, द किसके सेवन मार्बल्स? मार्बल्स इरफान और परमित, फर्स्ट स्टेप सही इरफान। अच्छे से पढ़ो। 5x plus 7 equals to 37. नहीं मैंने बोला सबसे पहला स्टेप m किसको लूँ, m किसको लेना है। सर m take to properly 37 m. The number of परमित मार्बल्स भी x। x now परमित मार्बल को यहाँ पे लिखे हमने x ले लिया, m ले लिया। ओके सो व्हाट आई सेड, इरफान 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 मार्बल कितने हैं बताओ। आखिरी में इरफान के मार्बल कितने टोटल, 7 प्लस 5 एम इज इक्वल टू 37। एनी डाउट टिल हियर? बहुत इजी है ना, बहुत इजी है ना। बताओ यहाँ पे किसकी, यहाँ पे किसकी एज वाई लू, फर्स्ट स्टेप किसको लेना वाई। सर लक्ष्मी एज, लक्ष्मी एज वाई। ओके तो लक्ष्मी एज हुआ तो फिर कंपेयर किससे करना है वो देखो, लक्ष्मी फादर उसको भी लिखो बाद में, वहां पे बाद में उनका नाम भी लिखो लक्ष्मी फादर। नाउ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना स्टेटमेंट, लक्ष्मी फादर एज इज हाउ मच, 49। 49 एंड वो लक्ष्मी के फादर को बता रहा है ही इज 4 इयर्स ओल्डर, ओके ओके 4 इयर्स ओल्डर मतलब क्या होता है, प्लस प्लस वेरी गुड। 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज मतलब 3 एक्चुअली 3 बार। वेरी गुड, इज इट इजी, इजी है कि हार्ड है? किसी को नहीं मिलेगा, अकेले खाऊंगा मैं। ओके नाउ द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। नाउ कंफ्यूजन है, लोएस्ट मार्क को कितना लेना है बताओ। एल ओके लोएस्ट मार्क को मैंने एल ले लिया, 12 + 7 किससे कंपेयर करना है, लोएस्ट मार्क को हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट मार्क को कंपेयर करना, वेरी गुड। हाईएस्ट मार्क को कंपेयर 12 + 7 ओके फिर 12 + 7 इक्वल्स 87। मैं बोलूं? यस सर। हां ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क मतलब 12 + 7 इज एंड द हाईएस्ट स्कोर इज 87। इट विल बी द इक्वेशन। ओके डाउन, ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर, 2b = 180 बेटा कहना क्या चाहते हो, 4b = 180 सर 4b = 180 डिग्री। सर सबने पहले से आंसर निकाल के रखे हैं या तो सॉल्व करिए। नो सर, सर हमारे दिमाग में कैलकुलेटर फिक्स है। और सर मैंने तो आपको चैट बॉक्स में बता दिया था। हाँ ठीक है, समझदार को इशारा काफी, मैं समझ गया हूँ बेटा। मिलेगा तो कुछ नहीं ना, दिमाग लगाओ। आई टोल्ड यू ना रीत, ऑलवेज फोकस ऑन बेसिक्स। देखो कछुआ स्लो रेस चालू करता है लेकिन जितना आखिरी में कौन है, कछुआ। इसलिए बिकम लाइक कछुआ, ये रैबिट है अपने, रैबिट अपने दांत दिखा रहा है, यहाँ एग्जाम में देखेंगे ऐसा है वो। ओके नाउ बेस को कितना लेना है, बी। स्टेटमेंट पढ़ो, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस क्या बोला उसने, पढ़ो अच्छे से। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल पता है आपको ऐसे रहता है, उस देखो अब उसने बोला है कि एक साइड जो है ट्राइंगल का जो वर्टेक्स एंगल है वो 2b है, तो ये कितने होंगे फिर दोनों साइड, ये भी बी होगा ये भी बी होगा, सो इक्वेशन विल बिकम लाइक बी प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। सर ऐसा क्यों हुआ, देखो जब ट्राइंगल के पार्ट लेते तो हम लोग लिखते हैं ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, थ्री साइड्स मिला के होता है ना, तो हमारे पास दो साइड्स तो दिए थे लेकिन उसने बोला कि एक जो वर्टेक्स एंगल है वो है मेरा 2b,
टू टाइम्स ऑफ द बेस, दैट्स व्हाई आई टेकन 2b एंड बाकी को 2 2 bb ले लिया, दैट इज द रीजन. ओके ओके इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. ओके वी विल कंटिन्यू. लास्ट आंसर विल बी 4b equals okay. to 180. How much exercise is yes, there in 4.2? Okay, 4.2. 4.2. Achha. Baap re, 4.4 tak hai? Nahi, nahi, nahi. Arre sir, bahut hi hai. Khana nahi khana hai meko? Socho. Sir, maine kha liya hai. Bhai na sir. Sir, maine bhi nahi khaya. See, मेरे घर में ना अभी वो है बिरयानी, सो आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस और नजर ना लगे किसी की, सो आई डोंट वांट कि somebody should come and focus on that. And Saad knows बिरयानी मतलब what it means by बिरयानी, so thank you. हाँ कुछ मिलेगा कुछ बचेगा तो सोचूंगा सोचूंगा. बाय बाय, थैंक यू. चल मजे से खाना बिरयानी दूंगा किसी को नहीं यार, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना. सर मेरे घर में भी. किसके घर में? मेरे घर में. आओ सेम. आपकी आपकी घर कौन सी है? सर मैंने बहरूज मंगाई है. बेटा मैं आ रहा हूँ, वेट. बाय बाय.